बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और शादो आबाद रखे। जी तो जनाब, आज मैं आपको दिखाऊंगी हादी की मेकअप कलेक्शन। उन्होंने बहुत सारी ब्रांडेड किट्स ली भी हैं और कुछ मेकअप का भी उनका सामान है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी, वो आपको दिखाऊँगी और साथ ही रेसिपी भी देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो यहाँ पर कलेक्शन देखने से पहले जनाब, यहाँ थोड़ा सा ये रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये नाश्ते का वक्त है, आपको पता है नाश्ता तो बहुत ज़रूरी होता है ना जनाब। तो यहाँ पर नाश्ता बनाकर रेडी कर रही थी, तो जनाब यहाँ पराठे भी बनाए थे और चाय भी बनाई थी, और साथ में रज़ा का आज मूड नहीं था पराठे खाने का। तो पता नहीं क्या हो गया रज़ा को कि बस आजकल वो बिल्कुल खा पी नहीं रहे। पता नहीं, शायद नज़र लग गई है, क्योंकि माशाल्लाह बस वही एक सही खाते थे, वरना तो सबकी खुराक अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यहाँ मानी लगा रही थी ब्रेड पे मक्खन रज़ा के लिए, क्योंकि रज़ा का बिल्कुल मूड नहीं था पराठे खाने का। तो बस जनाब यहाँ पर नाश्ता बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो बस यही होता है सुबह के टाइम कि बस जल्दी जल्दी हम नाश्ता वगैरह कर लें, काम से फारिग हो जाएँ, तो फिर हम दीगर मामलात देखें। क्योंकि आपको पता है घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, और स्पेशली ख़वातीन के काम तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह जो हमारे दिमाग में बातें चल रही होती हैं, तो हमारे काम करते वक्त वो दिमाग में चल रही होती हैं जो बातें हमारे साथ हो रही होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें किसी भी नेगेटिव बात को अपने जहन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए अच्छा और बुरा दोनों ज़िंदगी का पार्ट हैं, और हमें दोनों में ही अल्लाह का सब्र और शुक्र अदा करके ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। क्योंकि हम जब खुश होते हैं तो हम तो सबको भूल जाते हैं, लेकिन ज़रा सा दुख मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मज़लूम समझते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाकई सब्र नहीं होता जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, क्योंकि हम अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन वही वक्त होता है हमें अल्लाह से जुड़ने का। तो हमें चाहिए कि उस वक्त हम अपने रब से जुड़ जाएं। यकीन करें, अगर हम उस वक्त अपने रब से जुड़ गए ना, तो बस समझ लीजिए कि हमने सारी दुनिया फतह कर ली। तो बस जनाब मेरी भी यही कोशिश होती है। तो बस यहाँ पर बातों बातों में जनाब नाश्ता बनकर रेडी हो गया था, तो यहाँ मैंने देखिए ऑमलेट भी रेडी कर लिया, साथ में चाय भी बना ली, और जनाब ये रात का सालन था आलू पालक गोश्त का। तो बच्चे तो आपको पता है आलू पालक बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन बहरहाल मैंने अपने लिए निकाल लिया था। तो यहाँ हादी कर रही थी बालों में ऑयलिंग, क्योंकि ये कभी नहीं करती, आप यकीन करें इतने इतने दिन हो जाते हैं ये ऑयलिंग नहीं करती, लेकिन आज मेरे डांटने से ये ऑयलिंग कर रही थी। और जनाब शावर लेने जा रही थी, तो मैंने इन्हें कहा था कि आपने जो इतने सारा मेकअप जमा करके रखा है, तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाइए कि क्या क्या है आपके पास। तो बस जनाब यहाँ हादी फ्रेश होने के लिए जा रही थी, तो फ्रेश होकर यहाँ आ गई थी। तो देखिए जनाब ये इनकी पैलेट है, ये आई शेडो पैलेट है, और यकीन करें ये बहुत अच्छे इसमें शेड हैं, और इसकी जो वो लॉन्ग लास्टिंग है ना, इतनी अच्छी है कि कहीं अगर ये लगा के जाते हैं ना, आप यकीन करें अगर हम किसी शादी के तकरीब में जाते हैं तो आए तक इनके शेड बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं। और ये भी आई शेडो पैलेट है, ये तो आपको पता है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सी है, और इसके स्वाचेस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हल्का सा भी अगर आप लगा के ब्लेंड कर लें ना, तो इसमें इतनी अच्छी इसकी स्वाचेस लगा ब्लेंडिंग हो जाती है कि वाकई लगता है कि आपने कुछ करें। अच्छा ये है ब्यूटी 5 बाय आमना का, और इसके भी शेड जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो हदीबा आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा शौकीन है मेकअप की, मतलब ख़ुद तो नहीं करती, बट ये है कि उनको शौक़ है करने का। और ये पैलेट भी ब्यूटी 5 बाय आमना की है, और ये इसके भी शेड देख लें बहुत ज़बरदस्त हैं, और वो हर लुक क्रिएट कर लेती हैं, हर मेकअप हर लुक वो क्रिएट कर लेती हैं। बस वो कहते हैं ना शौक़ इंसान को हर चीज़ करवा देता है, तो बस इनको शौक़ है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने कहीं से सीखा नहीं, कुछ नहीं करा, लेकिन कुछ कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं गॉड गिफ्ट, तो वो इनके पास है। और ये माशाल्लाह अभी इन्होंने अपनी फ्रेंड्स को सिखाया था मेकअप के लुक सिखाए थे, तो यकीन करें वो लोग बहुत खुश हुई थी। अच्छा ये हुडा की पैलेट हैगी, और इसके भी शेड्स देख लीजिए आप कितने ज़बरदस्त से हैंगे ना, तो जब ये वो लुक क्रिएट करती है ना, तो ये शेड उनके बहुत काम में आते हैं।
बस उनको शौक है, जब भी कोई इंस्टाग्राम पे देखती है ना किसी पेज पे कोई अच्छी पैलेट आई है और उसके शेड्स इनको पसंद आए तो ये फ़ौरन ऑर्डर कर देती हैं। अच्छा, ये एक लोकल किट है, इसके शेड अच्छे तो हैं मगर इसके स्वाचेज़ आप देख लीजिएगा, इतने ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तक के नहीं है। तो बस इन्होंने मंगवा ली थी, इनको पसंद आई थी तो ये मंगवा ली थी, इसीलिए ये थोड़ा सा अवॉइड करती हैं। ये कहती हैं थोड़ा सा मम्मा एक्सपेंसिव ले लीजिए लेकिन ब्रांड का लीजिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छे लुक आता है, जो हम लुक क्रिएट करना चाहते हैं वही लुक आता है। तो साथ में इनके पास काफ़ी सारे ब्रशेस भी हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी फ्रेंड्स की क्लासेस ली थी मेकअप की, तो देखिए सारा इनका सामान इधर का उधर हुआ हुआ है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि आप मेरे YouTube फैमिली को भी दिखाइए और साथ में जनाब अपना सामान भी समेट के रखिए। तो बस देखिए ये सारे, अच्छा ये बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं, अगर ये थोड़े से ज़्यादा स्टिकी हो जाए ना मतलब मेकअप करके, तो आप इनको वॉश कर लें, ये बिल्कुल नए की तरह हो जाते हैं। तो यही चीज़ होनी चाहिए, अगर हम एक्सपेंसिव तो ले लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन यकीन करें वो चीज़ वाकई क्वालिटी वाइज होती है, बजाय हम लोकल चीज़ों में इतना पैसा ज़ाया करने के। मैं तो समझती हूँ, ये देखिए ये फिटमे की इनके पास बेस थी, फाउंडेशन थी, और इसकी भी लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छी है, कवरेज बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये लगा के आपको महसूस नहीं होगा कि आपने कोई बेस वगैरह थोपी है। और ये देखिए ये भी इनके पास बहुत ज़बरदस्त से है, और बस ये यूज़ करती हैं तो इन्हें ज़्यादा इन चीज़ों का इल्म है, तो मैं इतना यूज़ नहीं करती तो इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में इतनी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बस जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जो यूज़ करता है तो वो देख के समझ रहा होगा कि किस ब्रांड का क्या है। और वाकई ये बहुत ज़बरदस्त सा मेकअप है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सीरियस इनकी चीज़ों को लेती नहीं, क्योंकि ये मेकअप करती हैं, मेकअप शौक़ होता है और शौक़ में इंसान कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन जब इन्होंने अपने फ्रेंड्स को सिखाया और मैंने उनके लुक देखे मेकअप के, स्मोकी मेकअप, पार्टी मेकअप और सॉफ्ट मेकअप, पिंक मेकअप, तो यकीन करें मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हादी ने इतना ज़बरदस्त सा मेकअप करा है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त से ब्लशन हैं, ये बहुत ज़बरदस्त से हैं, और सबसे बड़ी बात इनका ये होता है कि आप थोड़ा सा लगा लेना तो बहुत अच्छा आपको कवरेज मिल जाती है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं आप, मतलब आप 12-24 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए, आपकी ना बेस हिलती और ना ही शेड आउट होते। और यहाँ हुडा के इनके पास ये देखिए ग्लॉस, लिप ग्लॉस हैंगे, इसके भी शेड्स बहुत अच्छे हैं, बट ये इतने डार्क शेड यूज़ नहीं करती। हाँ, रेड शेड इनको बहुत पसंद है, वो कभी कभी लगा लेती हैं। बस जनाब लेने का ही मैंने बताया ना, इनको लगाने से ज़्यादा ना लेने का शौक़ है। तो बस जनाब बच्चियों के शौक़ को क्या कह सकते हैं, कर लेती हैं, शौक़ है, इस वजह से मैं भी इनको कुछ नहीं कहती। तो बस ये इस तरह इनको शौक़ है कि ये मेकअप जो इनको पसंद आए वो परचेस करें और रखें। तो इतना तो यकीन करें, मेरी शादी से लेकर अब तक मैंने कभी इतना परचेज नहीं करा मेकअप जितना हादी ने अभी कर लिया है। तो बस शौक़ है इनका, क्या कह सकते हैं, लेकिन करती नो डाउट माशाल्लाह बहुत अच्छा करती हैं, बहुत ज़बरदस्त सा करती हैं कि बाकी आपको लगता है आप जो आप लुक बोलेंगे ना वो क्रिएट कर लेती हैं। ये सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए कि आपको जो लुक चाहिए वो लुक क्रिएट कर लेना मेकअप में, तो समझ लें वाकई आप आर्टिस्ट हो, ये नहीं कि बस एक ही मेकअप पे वो चला रही हैं, ऐसी बात नहीं है, ये हर लुक क्रिएट कर लेती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा करती हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप इनके पास क्या क्या मौजूद है जनाब, तो ये यूज़ करती हैं जो इन आते हैं बाज़ लोग तैयार होने इनके लिए पास, तो ये बस खुशी खुशी इनको बहुत अच्छे से तैयार करती हैं। और ये ग्लिटर के शेड हैं, आई शेड, ये भी बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग है, ये टिंड है, हाँ ये ज़रूर ये लगाती हैं। बस इनका कुल टोटल मेकअप ही सिर्फ ये है, प्राइमर और जनाब ये टिंड, बस इसके अलावा आप यकीन करें ये मैंने नहीं देखा कि इनको कुछ करें। हाँ, अगर शादी वगैरह में जाती हैं तो फिर ये थोड़ा लाइटली सा मेकअप कर लेती हैं, बट टिंड इनका कंप्लीट मेकअप है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करती हैं। लेकिन आप देखेंगे ना, आप इनका मेकअप का सामान देख के आप समझ रहे होंगे शायद ये बहुत शौकीन हो मेकअप करने की, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस इनका फुल और कंप्लीट मेकअप सिर्फ टिंड है, बस वो लगा लेती हैं ये, समझ लीजिए इनका मेकअप कंप्लीट।
देखा जनाब, स्पेशली ये बैग लेकर आई थी इनके लिए कि जनाब इनका माशाल्लाह इतना सारा मेकअप का सामान है। अच्छा, जो बड़ी किट है वो इसमें आती नहीं, तो वो एक्स्ट्रा से इस तरह करके कबर्ड में रखना पड़ता है। तो जनाब देखिए, आज आपने हादी की कलेक्शन मेकअप की, और सारा माशाल्लाह ब्रांडेड है और बहुत अच्छा है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक दफ़ा ले लें, बट अच्छी चीज़ ले लें। इससे क्या होता है कि ना तो आपकी स्किन को कोई नुकसान होता है और आपके पास चीज़ अच्छी आ जाती है, लॉन्ग लास्टिंग आ जाती है, कवरेज अच्छी होती है उसकी। तो बस जनाब, ये थी हादी के मेकअप कलेक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो जनाब, यहाँ मेरी शहज़ादी की आप क्यूट क्यूट सी हरकतें देखें, तो माशाल्लाह ये लगी रहती हैं हादी के साथ भी। जब भी आती हैं हादी और मानी के, तो समझ लीजिए ईद हो जाती है जनाब। इतना ज़्यादा ये उनके साथ अटैच हैं, मेरे साथ भी बहुत हैं, बट मेरे साथ ये किचन में ही रहती हैं बस। तो यहाँ जनाब हादी को लग रही थी भूख, तो उन्होंने कबाब जी से ये बर्गर मंगवा लिया था, जिंगर बर्गर। इनको जिंगर बर्गर बहुत पसंद है, तो ये जब भी जिंगर बर्गर इनको मंगाना हो तो ये कबाब जी से भी मंगाती हैं। अच्छा, मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगता, लेकिन इनको यहाँ का बर्गर बहुत पसंद है। तो भाई बस पसंद की बात होती है, बस जो इनको पसंद हो ये वही करती हैं, बस टेस्ट की बात है जो आपके मुंह को भा जाए। जैसे होता है ना, जो चाय पीने वाले होते हैं उनको चाय की पत्ती अगर कोई दूसरी ब्रांड की पत्ती से बना के पिला दो तो उनको वो टेस्ट नहीं आता। तो बस जनाब, यहाँ पर भी हादी ने मुझसे कहा मम्मा कबाब जी से बर्गर मंगवा दीजिए, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ इनका जनाब जिंगर आ गया था जो इन्होंने खूब इंजॉय करा था। अच्छा, इनको इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा होता है नो डाउट, बट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना हादी को पसंद है। तो हम लोग तो कहीं से भी मंगवा लेते हैं, यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे हैंगे फूड स्ट्रीट, वहाँ से मंगवा लेते हैं, बट हदीबा को कबाब जी का ही ज़्यादा पसंद। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करें। और मुझे बताइएगा कि आपको हादी की ये मेकअप कलेक्शन कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।